पिछले 3 से 4 साल से ना मैं यूट्यूब पार्ट टाइम कर रहा था और अपनी जॉब के साथ में ही कर रहा था, लेकिन वो चीज़ ना पॉसिबल नहीं हो पा रही है। अब टाइम आ गया कि मेरे को या तो यूट्यूब या तो जॉब को चुनना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक मेरे ऑफिस में ना चीज़ें इतनी स्मूथ चल रही थी, क्योंकि जब से कोविड आया था ना हम अल्टरनेटिव में ऑफिस जा रहे थे और चीज़ें भी काफ़ी स्मूथ चल रही थी, मैं कर पा रहा था। लेकिन अब नहीं हो पाएगा, अब मेरे को डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी नहीं चाह रहा हूँ यार कि 3 साल हो गए मेरे को यूट्यूब पे काम करते करते कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा यार। कभी व्यूज़ आते हैं, कभी नहीं आते, कोई सीरीज अच्छी चलती है, कोई नहीं चलती है, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। तो एक डिसीजन में पहुँचना पड़ेगा और डिसीजन में पहुँच गया हूँ। मैं अब यूट्यूब को फुल टाइम कर रहा हूँ, मैंने अपनी जॉब छोड़ दी है। मैं वैसे एक MNC कंपनी में जॉब करता था एज अ डेटा एनालिस्ट और पिछले 5 साल से मैं उसी कंपनी में काम कर रहा हूँ। जब से मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया उससे पहले से मैं उस कंपनी में काम कर रहा हूँ और अब मैंने अपनी कंपनी से रिज़ाइन कर दिया है। मेरे को ना अभी यूट्यूब से कुछ खास पैसा आता नहीं है, लेकिन मेरे जो प्लान है ना वो ऐसा है कि मैंने आने वाले 5 से 6 महीने कंटिन्यूस राइड का प्लान किया है। मैं नॉर्थ ईस्ट जा रहा हूँ, मैं नेपाल प्लस नॉर्थ ईस्ट राइड कर रहा हूँ। अभी मैं 20 दिन पहले नेपाल करूँगा, उसके बाद मैं नॉर्थ ईस्ट जाने वाला हूँ और इस राइड में मेरे को कम से कम 5 से 6 महीने लगेंगे। और आने वाले 6 महीने के लिए जितना मेरा खर्चा होने वाला है उतना मैं बजट बना के अपने साथ लेके चल रहा हूँ। इस डिसीजन पे ना मैं एकदम से ऐसे सडन नहीं पहुँचा हूँ, ये डिसीजन लेने के लिए ना मेरे को 5 से 6 महीने लग गए, क्योंकि इतना बड़ा डिसीजन ना लेना इजी बात नहीं होती है। मैं अपनी हाइंग पेड जॉब को छोड़ के, एमएनसी कंपनी की जॉब को छोड़ के एक यूट्यूब को पकड़ रहा हूँ जिसमें मेरे को कुछ अभी खास इनकम नहीं आ रही है। मेरे को महीने का $200 से $300 आता है, 25% भी मेरे को अभी यूट्यूब से अपनी सैलरी का नहीं आ रहा है। लेकिन मेरे को इतना तो पता लग गया है कि जितना मैं अपनी जॉब से 6 महीने में या साल भर में कमाता हूँ ना, उतना मैं यूट्यूब से भाई साहब 1 महीने में कमा सकता हूँ। और मेरे को अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है, मैं कर सकता हूँ। प्रॉपर प्लानिंग के साथ में ना मैं अपनी जॉब को छोड़ के यूट्यूब को एज अ फुल टाइम करियर चुन रहा हूँ। और इस बारे में मैं पिछले 6 महीने से सोच रहा था लेकिन डिसीजन नहीं ले पा रहा था, क्योंकि ये डिसीजन लेने के लिए ना भाई साहब मैंने अपनी ना कितनी रातें बिना नींद के गुजारी हैं। रात को ना नींद नहीं आती थी, बस यही सोचता रहता था कि भाई इतने टाइम जो मेहनत कर ली, 3 से 4 साल जो मेहनत कर ली है, इसको या तो वेस्ट कर दें या तो इसी पे अपना फोकस करें। क्योंकि यूट्यूब के ज़रिए ना मैं लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना चाहता हूँ, मैंने किया भी है। मैं बिज़नेस करना चाहता हूँ, ठीक। अगर मेरा यूट्यूब सक्सेसफुल होगा तो ही मैं अपना बिज़नेस कर सकता हूँ, क्योंकि जो मेरा वो बिज़नेस जो मैंने सोचे हुए ना वो यूट्यूब से रिलेटेड है यार। जॉब के साथ साथ में यूट्यूब नहीं हो पा रहा था, तो एक डिसीजन में आना था मेरे को, अब मैं आया उस डिसीजन पर। तो आई होप कि आप लोग सब मेरा साथ देंगे आने वाले टाइम पे, मेरी यूट्यूब पे सपोर्ट करेंगे, मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे, उस पर कमेंट करेंगे, ठीक है। मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, आपका सपोर्ट मेरे को वहाँ भी चाहिए होगा। और भाई जितने भी नए लोग मेरे को देख रहे हैं ना जो यूट्यूबर बनना चाहते हैं और जो यूट्यूब करने की सोच रहे हैं, उनके लिए मेरी एक एडवाइस है, ठीक है। मेरे को पता है कि आप लोग ना इस वीडियो को ढूंढ रहे होंगे और आप मेरी बात इस टाइम पे अच्छे से समझ रहे होंगे और सुन रहे होंगे दिमाग खोल के, क्योंकि जो आज मैं कर रहा हूँ ना आप भी चाह रहे होंगे कि आने वाला टाइम में आप भी इस फेज पे आओ, आप भी इतने कॉन्फिडेंट हो कि भाई अपनी जॉब को छोड़ के यूट्यूब कर सको, ठीक है। लेकिन ये जो डिसीजन मैं पहुँचा हूँ ना, मैं सडन नहीं पहुँचा हूँ, जैसा मैंने आपको बताया 1.5 साल से मैं प्लानिंग कर रहा था ये करने की, और पिछले 6 महीने से मैं डेली सोचता था अपनी जॉब छोड़ने के लिए, क्योंकि मेरे को पता लग गया मेरे को किस चीज़ में मज़ा आ रहा है, मैं क्या करना चाहता हूँ। जॉब पे मैं जा रहा हूँ अगर 3 घंटे भी काम करता हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने काम किया, लेकिन जब मैं यूट्यूब में ना ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, ट्रैवल कर रहा हूँ, उसके बाद डेली 4 से 5 घंटे बैठ के, 3 घंटे बैठ के मैं वीडियो एडिट कर रहा हूँ ना, मुझे वो काम नहीं लगता है, उसमें मेरे को मज़ा आता है। तो मेरे को इतना तो पता लग गया कि जिस काम में आपको मज़ा है ना भाई, वो काम आप 12 घंटे का 18 घंटे भी कर सकते हो, लेकिन जिस काम में आपको मज़ा नहीं आ रहा ना, वो काम भाई आप 1 से 2 घंटे 3 घंटे भी आपको ऐसा लगेगा कि आप 24 घंटे काम कर रहे हो, आपको ऐसी फीलिंग आएगी। तो अगर आप भी ऐसा कुछ प्लान कर रहे हो, आप यूट्यूब करते हो या आप ट्रैवल ब्लॉगर बनना चाहते हो, तो भाई साहब पहले ना अपने आप को टाइम दो, पहले पार्ट टाइम यूट्यूब करो। आपको पता तो होना चाहिए कि भाई ये चीज़ आपके लिए बनी है कि नहीं बनी है, क्योंकि यूट्यूब करना और उसके ऊपर से ट्रैवल ब्लॉगिंग करना भाई कोई इजी नहीं है, कोई बच्चों का खेल नहीं है भाई। हर कोई कर सकता है लेकिन हर कोई नहीं कर सकता है। आपको ना पहले अपने आप पे भरोसा होना चाहिए कि आप ये कर सकते हो, और जितना सैक्रिफाइस और जितने एफर्ट उसमें लगने हैं वो आप दे सकते हो। तो पहले पार्ट टाइम करो, अपने आप को उस चीज़ में ढालो, आपको पता लगे कि आप वो कर सकते हो, उसके बाद ही आप ये डिसीजन लेना कि आपको फुल टाइम यूट्यूब करना है। और अगर आप फुल टाइम कर भी रहे हो ना, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि आने वाले 5 से 6 महीने जब आप कंटिन्यूस वीडियोस डालोगे ना, ट्रैवल डालोगे, तब आप थोड़ी सी उम्मीद करना कि आपको
यूट्यूब से कुछ पैसा आएगा। आप ऐसा नहीं होगा कि आपने जॉब छोड़ दी और तुरंत ही आपको अपनी जॉब जितना पैसा मिलने लगेगा। नहीं, मेरे को अभी अपनी सैलरी का 25% यूट्यूब से नहीं आता है, लेकिन मुझे इतना पता है कि 25 नहीं, धीरे धीरे मतलब हर महीने मुझे पता है मेरी इनकम बढ़ेगी 25 से 30, 40, 50। और ऐसा भी होगा कि एक दिन, एक महीने मेरी ऐसी भी सैलरी, ऐसी भी इनकम आएगी कि मैं पिछले 6 महीने जितना मैंने 6 महीने में साल भर में यूट्यूब से नहीं कमाया ना, वो मैं एक महीने में कमा सकता हूँ। इतनी मेरे को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है। और आने वाले टाइम में आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से हम लोग यूट्यूब पे ग्रो करेंगे आप सब लोगों के सपोर्ट से। ठीक है, तो भाई 2024 ना पूरा हमारा इंडिया का रहने वाला है। मैं पूरा इंडिया घूमने वाला हूँ। मैं थाईलैंड गया, वियतनाम गया, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान भी मैं थोड़ा सा गया और बांग्लादेश में घूमा। और इतनी सारी कंट्रीज घूमने के बाद मुझे पता लगा ना हमारी इंडिया में वो सब कुछ है जो दुनिया में आप लोग देख सकते हो। तो वो सब ना मैं आपको दिखाऊंगा नॉर्थ ईस्ट में और पूरे अपने इंडिया में। स्टार्ट में नॉर्थ ईस्ट से कर रहा हूँ, उसके बाद टॉप नॉर्थ पे मैं जाऊंगा इंडिया के और आपको पूरी दुनिया में घुमाऊंगा। जो मेरे सपने हैं वो अपने सपने अपनी आंखों से मैं आपको दिखाऊंगा। और भाई जब एक ट्रैवल ब्लॉगर होता है ना और वो ऐसा कोई डिसीजन लेता है, मेरी तरह कोई बंदा है जो कि अच्छी खासी जॉब कर रहा है, सेटल है, 5 साल से एक ही कंपनी में जॉब कर रहा है, पिछले 10 साल से मैं काम कर रहा हूँ और पिछले 10 साल से मैं अलग अलग कंपनी मैंने काम किया और जो खुशी मुझे यूट्यूब में काम करके मिली ना वो कहीं नहीं मिली। यूट्यूब से बेशक मुझे भी पैसा कम आ रहा है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मेरे को अच्छा पैसा आने वाले टाइम में यूट्यूब से आने लगेगा। तो जब कोई ऐसा डिसीजन लेता है ना तो उसकी फैमिली, कई लोगों की फैमिली सपोर्ट करती होगी, कई लोगों की फैमिली सपोर्ट नहीं करती होगी। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरी फैमिली का ना इस डिसीजन पे क्या राय है। देखते हैं घर वाले अभी क्या कर रहे हैं, उनके क्या रिएक्शन आते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या हो रहा है, क्या बात है यहाँ पे, देख लो भाई साहब तेरी सेहत बना रही हूँ मैं। ये मेरे लिए रख रहे हो क्या? हाँ, ये मैं कह रही, मेरा बेटा जाएगा ब्लॉग बनाने। भाई सारे घर वाले बैठ के यहाँ पे आईपीएल देख रहे हैं। पापा इसकी आवाज बंद करो, थोड़ा कुछ बात करनी है। इसको बंद करियो। ये भाई साहब मेरे हर व्लॉग में ना इसी तरीके से इसी पोजीशन में बैठा हुआ दिखता है, सांप की तरह। बैठे तो हैं, तेरी तरह थोड़ी नाचते रहते हैं इधर उधर। अच्छा अच्छा ठीक है। ये लाइट लेके क्या बैठा मेरे आगे, काम की तैयारी हो रही तेरी? ट्यूबलाइट साफ करवाओ गली होगी। कब जा रहा है? कहाँ जा? जा रहा, जल्दी जा, घर खाली कर। मैं जा रहा हूँ कल। तो आज कर रहा था, आज मेरा कुछ सामान रह गया था। एक रात का खाना और खिलाना पड़ेगा तुझे। गेट के बाहर वो लगा दे पर्चा किरायेदार ढूंढने के लिए। अच्छा, सामान बाहर फेंक इसका। किरायेदार रखेंगे, 2 साल से इसका कमरा खाली कर रखा है। अब शादी करेगा तब शादी करेगा, साले कल ही मैं किरायेदार रख रही हूँ उसमें। अब रख लो, किसने मना किया तुम्हें? रखूंगी मैं, बहुत हो गया तेरा ड्रामा। अच्छा अब जा, जा कल जा रहा है। अभी जा, अभी जा, कल जा रहा, अभी जा। पापा तुम्हें पता है? हाँ बेटा। मैंने जॉब छोड़ दी। हाँ बेटा, हाँ तुझे पता है जॉब छोड़ दी है? हाँ हाँ पता है मेरे को, जॉब छोड़ दी तूने। क्या ठीक किया मैंने? हाँ ठीक किया तूने जॉब। कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे कोई दिक्कत नहीं है, अपना बना, अपना करियर बना। साइकिल का करियर लगा दे पीछे, उससे क्या होगा, बन जाएगा तेरा। ये कौन सा जॉब था भाई? हाँ भाई मैंने जॉब छोड़ दी। डंडा लेके घूमता रहता है, नौकरी चाकरी नहीं करनी, जॉब छोड़ दी। बड़ा बहादुर काम किया, राष्ट्रपति अवार्ड दिला दे तुझे। मैं 6 महीने बस ट्रैवल करूंगा, ओनली ट्रैवल। 3 महीने और कर लियो फिर है? 9 महीने पूरे कर लियो ना, 6 महीने क्या करेगा फिर? मैं 9 महीने कर लूंगा, तेरा कुछ हो जाएगा? तेरा ही होगा है, जो करेगा उसी का तो होगा। अच्छा ठीक है, ठीक है। मैं कल जा रहा हूँ नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट पता तुम्हें कहाँ है? कहाँ पे है तुम्हें नहीं पता? मणिपुर। हाँ, सिक्किम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम। तो सीरियसली नहीं हो रहा, मैं उनको बोल रहा हूँ 6 महीने के लिए मैं जा रहा हूँ, उनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। भाई साहब, मम्मी मैं 6 महीने के लिए जा रहा हूँ। तू मुंह बंद कर ले। हाँ, मुंह बंद कर ले 6 महीने के लिए। तो मैं 6 महीने बाद मैं बड़ा आदमी बन के आऊंगा, रोल्स रॉयस में आऊंगा। 5 साल में नहीं बना, 6 महीने में बनेंगे बड़ा आदमी। ठीक है भाई, क्या कह रहा है? मैं कह रहा हूँ कि मुझे बीच में ना पैसे वैसे की जरूरत पड़ेगी तो मेरे को ट्रांसफर कर दियो। ठीक है, ठीक है, ठीक है पापा। पहले 10,400 मेरे अकाउंट में डाल दे कमेटी के। ठीक है, तुम घर में ऐसे तैयार होके बैठे ऐसे रहते हो क्या हमेशा? ऐसा लग रहा है किसी सीरियल की शूटिंग चल रही है। अभी मैं कीर्तन से आ रही हूँ ना, आजकल तुझे पता नहीं नवरात्रे चल रहे हैं। कीर्तन मंडली का काम चल रहा है तुम्हारा? और क्या, आज भी बुकिंग दी क्या? कितने पैसे बनाए फिर आज? कितने पैसे बनाए, पैसों के लिए करते हैं, ऐसे जाते हैं। अच्छा चलो भाई। और हमारी भाभी अंदर खाना बना रही है, भाभी सकल दिखा।
क्या बना रहे हो? नहीं तो ठीक है, ये मैंने वैसे टी शर्ट बहुत देखी, ऐसी टी शर्ट नहीं देखी मैंने इतनी लंबी। बोलना जरूरी है, कोई बात नहीं मेरी तो पहन लो, लेकिन ये किसकी पहन लिया? ये मम्मी की। ये तो मुझे लग रहा है खली की टी शर्ट पहन रखी तुमने इतनी बड़ी। दारा सिंह की टी शर्ट पहन रखी। अच्छा, तुम्हें पता है मैंने जॉब छोड़ दी? हाँ पता है। ठीक किया मैंने? बहुत बढ़िया है, बढ़िया करा, बढ़िया करा। मम्मी क्या कह रहे हो? ये लाइन काट दी। कौन सी वाली? ये जॉब छोड़ने वाली। उससे क्या होगा? लड़की दिमाग कर। कौन सी लाइन? मैं देख लिया। अरे तो लड़की वाली वीडियो थोड़ी देख रहे होंगे, बताओ अभी। मेरी मम्मी कह रही है ये वाला सीन हटा दे इसमें से, जॉब छोड़ दी कि कोई लड़की नहीं देगा तेरे। मेरी मम्मी ना आजकल मेरे लड़की ढूंढ रही है। अरे मेरी मम्मी को बताओ कि अगर तुम्हारा लौंडा का सक्सेसफुल हो गया ना, लड़कियां रिज्यूम लेके बाहर खड़ी होंगी गेट के बाहर। कोई ना पूछ रहा है नौकरी करने लगानी है, कोई ना पूछ रहा है तेरे को। बताओ यार क्या है। चलो ठीक है, मार मत खा लियो मेरी। हाँ ये डालेगा तो क्या? ये वाला लाइन। कौन सा वाला? जो भी बोला तुमने। कौन सा वाला? दांत तोड़ देने। चलो भाई सीरियस हो जा लाइफ में। हाँ सीरियस बच्चा नहीं रह गया तो अभी सीरियस हो रहा हूँ लाइफ में, तभी तो मैंने इतना बड़ा डिसीजन लिया भाई, क्योंकि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है। क्यों पापा? लाइफ में जिंदगी में एक बार अपने मन की तो करनी चाहिए ना। मन की देखो भाई, लाइफ में रिस्क लेना पड़ता है कुछ बड़ा अचीव करने के लिए। अरे हम भी जाएंगे मम्मी, क्यों चिंता कर रहे हो? देखो भाई मैंने ना कुछ प्लान्स किए हैं, यूट्यूब तो ना बस एक जरिया है, मैंने बहुत आगे पहुंचना है। मैंने दो तीन चीजें ऐसी सोची हुई हैं जो मतलब यूट्यूब से रिलेटेड है, लेकिन जब यूट्यूब में कामयाब होऊंगा तब उसमें मेरे को बेनिफिट मिलेगा, तो मैं इसलिए यूट्यूब कर रहा हूँ ताकि मेरे को उन चीजों में बेनिफिट मिले। एक प्लेटफॉर्म बनेगा, उस प्लेटफॉर्म के जरिए मैं अपना आगे काम कर सकता हूँ। और भाई जी आज कल जैसे कि आपको पता है भाई नवरात्रे चल रहे हैं, तो हमारे घर में भाई सब इस टाइम मम्मी ने पूरा ऐसे ना मंडप सजाया हुआ है, और आप सभी लोगों को नवरात्रों की भाई बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हमारी भी और आपकी भी सबकी मनोकामनाएं हमारी माता पूरी करे। भाभी आइसक्रीम तो खिला दो यार, मैंने कल चले जाना है पर तुम लोगों ने खानी हो आइसक्रीम। हाँ भाई, भाई साहब ये मेरा छोटा भाई है, इसको हम होटल मैनेजमेंट करा रहे हैं, और होटल मैनेजमेंट कराने के बाद ना ये वर्लपूल कंपनी में जाता कपड़ा मारने के लिए मशीनों पे। सर तो आएगी नहीं तेरे को? अरे तांबे की चेन कहाँ से लाए? असली है, अच्छी जी है, हमने तो पहनी नहीं कभी। हाँ कच्चा धोता है, वहाँ जाके फोरमैन कच्चा धोता है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, मम्मी सुखाने तो दिखा ना। भाई साहब इतना बड़ा डब्बा कहाँ से? भाई ये कहाँ से लाया? ये मुझे कहीं शादी वादी में गया था, मुझे ऐसा लग रहा शादी में फाड़ी करके लाया हो। ये वही लापते जो नौकरी करते हैं ना, हमने तो करी नहीं है। हाँ भाई तू कब लाएगा सर आइसक्रीम का डब्बा? खाने के बाद। देखो यार अब मैं कल तो चला जाऊंगा, उसके बाद तुम लोगों ने खानी है। अबे आधा कर दिया डब्बा एक दिन में, एक दिन में दो दिन हो गए। तीन दिन से बोल रहा है मैं कल चला जाऊंगा, मुझे दे दे। दो कटोरे कल खा गया, दो कटोरे आज खा गया, तीन टाइम खाने की जगह आइसक्रीम खा रहे हैं। दो कटोरे कल सुबह भी हो जाएंगे। अब पता चला कल लेट गया, दो कटोरे और खा के चला जाएगा। निकला तो दस दस वाली डब्बी लानी चाहिए। बंद कर ममता, मत दे इसको, हम खाएंगे। अरे मुझे तो दो, तेरे को तो बढ़ा देंगे, तू ही तो कमा रहा ज्यादा। कॉलेज कितने दिन गया तू? तेरे कॉलेज से फोन आया था, 160 क्लास होगी, 160 क्लास में चार क्लासेस ली है। तो उसी सर को आज पकड़ा मैंने। क्या क्या पकड़ा? मैं सर से पूछा, मैं सर जी मुझे 10 बच्चे दिखलाने क्लास में। उसी सर को आज पकड़ा, बोल तूने कैसे बोला, तूने कैसे बोला गुंडा है, गुंडा है तू। और ये इतने की तेरी दिहाड़ी में जितने की तू कपड़े पहन के जा रहा कंपनी में? है ना, फिर कपड़े भी तो खुद लाया। खुद लाया? अच्छा ले, आइसक्रीम चाहिए या दूध चाहिए? आइसक्रीम चाहिए मेरे को, दूध तुम पी लो। अभी एक शर्ट और दूध, इसको दो, इसको जरूरत है दूध की। मैं आइसक्रीम खिला रही हूँ तेरे को, ठीक है? और आइसक्रीम एक खिला रही हूँ, कल सुबह फिर मत दे, मैं जाऊंगा मेरे को फिर दे दो, ये काम है। पन्नी चढ़ा लो, सुबह तो मैं जाऊंगा तो आइसक्रीम खा के जाऊंगा। अपना डिब्बा पैक कर, चल अभी हमारे लिए काजू बादाम मुझे तो दे दो। बर्त है भाई, बर्त में नहीं खाते आइसक्रीम यार। मैं भी खाते, खा लेते नहीं खाते, ये जो भी उसे मांग के लाए। ममता
रामलीला मैदान में मिला था। अच्छा इधर आ इधर आ इधर था ममता का पापा ये रामलीला मैदान से मम्मी ये ज्यादा हो गया राम जी का ये वही है क्या वही है ये इसको पहन के राम जी वनवास गए थे राम जी का कुर्ता लिया राम जी के फूल नहीं बने होते लेडीज के ना कि जेंट्स आपके रामलीला होगी एक महीने में मंगा दिया ऐसी कुर्ता ठीक है कौन सा कलर बता रहे मैं अपने रूम पे आ चुका हूँ। मेरे घर वालों ने ऐसे कुछ खास रिएक्शन तो दिए नहीं क्योंकि उनको मैं ना ऑलरेडी पहले बता चुका था और वो सब लोग एग्री कर चुके थे। बस मेरी मम्मी का थोड़ा सा था वो मान नहीं रही थी कि मेरे को ये सब करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उनको मेरे पे कॉन्फिडेंस नहीं, बस उनको थोड़ा डर है कि भाई मैं यूट्यूब छोड़ दूंगा तो मेरे को कोई लड़की नहीं देगा अपनी वो वाला सीन है। बाकी ठीक है यार, मतलब मेरे हिसाब से कोई इतना बड़ा इशू नहीं है भाई। हमने जिंदगी भगवान ने हमें जीने के लिए दी है, हमको बस कमाने के लिए। और देखो हमको खाने के लिए दो रोटी चाहिए होती, तीन रोटी चाहिए होती, वो हम कैसे भी कमा लेंगे। बाकी मेरे को पता है कि चीजें हैं ऐसी, मैं मेरे को अपने पर विश्वास है कि भाई मैं YouTube से खैर इतना तो कमा ही लूंगा कि मैं अपना मतलब अपना अपने परिवार का खर्चा चला लूं, ठीक है, उसका मेरे को पूरा विश्वास है। YouTube से मेरे को अभी $300 करीब आते हैं, कभी कभी अच्छा भी आ जाता है, कभी कभी जब अच्छा आता है तो इतना आता है कि मेरे को सैलरी से भी नहीं मिल पाता। तो मेरे को उम्मीदें हैं अपने चैनल से भाई, मेरे को तो अपने पर पूरा विश्वास है कि मैं YouTube में कुछ उखाड़ ही लूंगा, ठीक है। अब मेरे जो प्लान्स है ना मुझे पता, देखो कोई काम सच्ची शिद्दत से करो ना भाई, कामयाबी जरूर मिलती है। मेहनत और शिद्दत भाई बहुत ज्यादा जरूरी है, पर ईमानदारी से काम करना पड़ेगा, हर काम में सक्सेस मिलती है भाई। और अपने ऊपर विश्वास होना तब बहुत ज्यादा जरूरी है, तो मेरा अपने ऊपर विश्वास है, मैं उस पर खरा उतरूंगा, ठीक है। आने वाले व्लॉग्स में आपको देखने को मिलेगा कि भाई मैं कितनी डेडिकेशन के साथ में कंटेंट बना रहा हूँ और काम कर रहा हूँ। और घुमक्कड़ इंडियन जो मेरा ये चैनल है, ये तो बस एक शुरुआत है, मैंने आगे बहुत कुछ करना है। और इस चैनल के जरिए ही ना मैं लाइफ में बहुत कुछ उखाड़ने वाला हूँ और करने वाला हूँ, ऐसे मेरी प्लान है, मुझे अपने ऊपर विश्वास है भाई। और ये विश्वास भाई मेरे हिसाब से हर किसी को अपने ऊपर होना चाहिए, तभी आप लाइफ में कुछ कर सकते हो, ठीक है। तो अभी के लिए इस व्लॉग को यहीं क्लोज करते हैं। आई होप कि आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा, और आप कि कोई भी क्वेश्चन है ना मेरे से रिलेटेड या कुछ भी आपको मेरे से एडवाइस चाहिए, अगर आपको लगता है मैं उस लायक हूं तो आप मेरे से पूछना, मैं आपको दूंगा। अभी के लिए ब्लॉग को खत्म करते हैं, बहुत जल्द मिलते हैं आपसे, बहुत जल्द क्या आपसे, अभी जो नेक्स्ट ब्लॉग आएगा उसमें मैं ना आपको अपनी प्रिपरेशन दिखाऊंगा कि भाई मैंने नेक्स्ट अपनी राइड के लिए क्या क्या प्रिपरेशन करी, क्या क्या मैं सामान लेके जा रहा हूँ और क्या क्या जरूरी है क्या क्या नहीं है, तो वो सब आपको नेक्स्ट लोगों में देखने को मिलेगा, ठीक है। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर चैनल पे पहली बार आए हो, आपको ऐसी मजेदार ब्लॉग ना मेरे चैनल पे मिलते रहेंगे, ठीक है। Bye-bye.